हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन खजाना विद मनीषा। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की बर्फी। तो आप देख रहे हैं मेरी बर्फी कितनी अच्छी बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक लौकी लिया है। तो लौकी आपको बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी है, जिसमें बीज होता है वो वाली लौकी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्रेश लौकी लेनी है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धुल लिया है और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू बादाम और किशमिश है। आधी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 5 से 6 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और एक आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है और ये कद्दूकस कर लिया है नारियल को, और 2 मैंने इलायची लिया है और ये 1 कटोरी दूध लिया है। तो अब सबसे पहले लौकी को कट करना है, तो मैं लौकी को सबसे पहले पार्ट पार्ट में कट कर दूंगी ताकि इसे छीलने में आसानी रहे। तो इसे अब अच्छी तरह से छील लेना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही करना है। अब जो मैंने इसे पार्ट पार्ट में कट कर लिया है, अब जो इसके बीच वाला पार्ट होता है उसे हमें निकाल लेना है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है बर्फी में। तो ऐसे ही सारे लौकी का मैं निकाल लूंगी और इसे इस पार्ट को आप किसी भी सब्जी में डाल करके या फिर दाल में डाल करके यूज कर सकते हैं, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है लौकी को। अब कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए ये बहुत ही इजी तरह से कद्दूकस हो जाता है। इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए मेरा पूरा कद्दूकस हो गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो उस पानी को हम निकाल लेंगे ताकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे हमें और लौकी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो। अब बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसलिए इसका पानी को निकाल लेना है। तो अब हम इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। अब जब घी गर्म हो जाएगा